बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से। हम और आप इस समय कनाडा में बैठे हुए, तो हमें कनाडा में भी वो सब देखने को मिल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है, अपने आप को बड़ी बड़ी सुपर पावर कहने वाले लोग हिंदुओं की हत्या पर, हिंदू बहन बेटियों के अपमान पर, सरेआम उनके पैरों में रस्सी बांधने पर, उन्हें सड़क पे खींचने पर, जो अपने आप को विश्व पावर कहते हैं वो मौन है। और कोई भी मानवता की बात करने वाले लोग इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं। सच यह है कि मानवता की हत्या कहीं नहीं होनी चाहिए, न वो गाजा पट्टी में हो, न वो सीरिया में हो, न वो बांग्लादेश में हो, कहीं भी मानव मर रहा है तो वो हत्या मानवता की हो रही है। दुख इस बात का है कि जब गाजा पट्टी की बातें होती हैं तो सब विश्व नयन में आकर बात करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, बेटियों का मान सम्मान सड़क पे खींचा जा रहा है, मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मत बोलिए। आज पूरा विश्व इस बात को जान रहा है कि जो सनातन पूरे विश्व को सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज उस मानवता को मरने के लिए अगर छोड़ दिया, तो जिस दंश से आज बांग्लादेशी हिंदू दुखी है, वो दंश छोड़ेगा इस विश्व को भी नहीं। एक दिन उसी दंश का सामना हम सबको करना पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी रहते हैं। हिंदुओं को, सनातनियों को मारकर जैसा जघन्य अपराध किया गया है, हम उसके विरोध में और सनातनियों के साथ में खड़े होने के लिए हम ये विरोध दर्ज कराते हैं और पूरे विश्व को कहते हैं कि मानवता को बचाने के लिए, सनातनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए हम सबको बोलना पड़ेगा और सनातनियों की रक्षा हम सबको करनी होगी, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। वो सनातनी, उन सब की बहुत जरूरत हम सब के लिए है, क्योंकि सनातन हमेशा जीने का राह दिखाता है, मारने का और मिटाने का नहीं दिखाता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सभी सनातनी जो इस मंदिर में बैठे हुए हैं, कौन कौन बांग्लादेश में हुई इस जघन्य अपराध की, उन हत्याओं का विरोध करता है, हाथ उठाकर बताएंगे। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। आइए हम एक मिनट का मौन अपने बांग्लादेश में, जिन्होंने अपने प्राण खो दिए क्रूर लोगों के हाथ में, हम भूत बावन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हम शंकर भगवान से, कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और जो मौन है उन्हें बोलने का सामर्थ्य प्रदान करे, जो आज भी मौन है। हम और आप एक मिनट का मौन रखेंगे उनके कल्याण के लिए। शांति, जब मैं बोलूंगा तो आप सब मौन हो जाएंगे। शांति ही